हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व है। ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। साथ ही आपको बता दें कि एक महीने में दो एकादशी पड़ती है, जिसमें एक शुक्ल पक्ष तो दूसरी कृष्ण पक्ष। वहीं यहां हम बात करने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में, जो इस साल 16 अगस्त को मनाई जा रही है। साथ ही इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं मान्यता है कि इस दिन वो महिलाएं जो पुत्र पाना चाहती हैं, अगर व्रत करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आइए इस वीडियो में जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। पुत्रदा एकादशी की शुरुआत 15 अगस्त को सुबह 10:25 से होगी। साथ ही इस एकादशी का अंत 16 अगस्त को सुबह 9:38 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के आधार पर पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। वहीं व्रत पारण का समय 17 अगस्त को सुबह 5:52 से 8:04 तक किया जा सकता है। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत पर प्रति योग बन रहा है। इस योग का निर्माण दोपहर 1:13 से हो रहा है। इस समय में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही पूजा का दोगुना फल भी प्राप्त होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।